एक सीएस कर्णक थे जो मरीन स्ट्रीट बॉम्बे में रहते थे, उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब आपने हमें धम्म तो दे दिया, अब ये बताइए हम अपने बच्चों की शादी कैसे करें। तो वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी फिर एक संज्ञान पत्रिका में छपी। वो जो चिट्ठी थी उसका जवाब बाबा साहब ने जो उनको दिया सीएस कर्णक को, वो चिट्ठी है वो। तो बाबा साहब उसमें लिख रहे हैं कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना है। बात यह है कि अभी देखिए हमारे कितने लोगों की बौद्ध रीति रिवाज से शादी हुई होगी। अब आप देखिए उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन है क्या। सांस्कृतिक परिवर्तन यह है कि वो जितनी भी शादियां हुई हैं सिर्फ उसमें एक आकर्षण के रूप में तीन भिक्कू, चार भिक्कू, एक भिक्कू बुला लिया होगा और बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी होगी और उनके सामने पांच पांच प्रतिज्ञा करा दी होंगी, तिरसन पंचशील कर दिया होगा, देखो बौद्ध रीति से शादी हो गई। क्या उस शादी की डेट बाबा साहब के अनुसार थी? वो भी दूसरी संस्कृति के अनुसार थी। क्या जब शादी में बारात चल रही थी क्या वो तुम्हारी संस्कृति के अनुसार थी? वो भी दूसरी संस्कृति के अनुसार थी कि कैसे कब पहनना है, कितने टाइम जाना है। क्या उस शादी का जो समय था वो भी धम्म की संस्कृति के अनुसार था? वो भी नहीं था। और था भी तो डेट कोई और थी, समय कुछ और था, तुमने करते करते तीस दूसरा दिन कर दिया होगा। क्या यही सांस्कृतिक परिवर्तन है? क्या इसी के लिए बाबा साहब सोच रहे थे कि भाई सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए? क्या इसी के लिए धम्मपथ ट्रस्ट कह रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए? बस एक चीज से आप कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं उसको, जब शादी में 20 चीज होती है, 50 चीज होती है, वो तो दूसरी संस्कृति से है और सिंबॉलिक के तौर पर आपने एक चीज को एक जगह रख दिया और कह दिया सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिया, हमने तो शादी बौद्ध धर्म से की थी। ये सिर्फ औरों को दिखाने के लिए, औरों को उल्लू बनाने का उद्देश्य है। बाकी आप कितने चतुर हैं ये मैं नहीं, आप खुद सोचें कि हमने कितनी चतुराई से इस काम को किया और नाम दे दिया सांस्कृतिक परिवर्तन। यह सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं था। रात में शादी करने का संस्कृति किसी और की है, क्योंकि किसी ने कहा है कि सारे गंदे काम और उल्टे काम रात में होते हैं, सारे गंदे काम और उल्टे काम रात में होते हैं। तो फिर शादी अच्छी चीज थी तो आपने रात में क्यों करी, दिन में करनी चाहिए थी। इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब है कि जो हम खाने का उद्देश्य का भी यहां सिखाया जा रहा था कि हम सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहे हैं, ताली नहीं बजानी है, साधु साधु बोलना है। ऐसे ही अगर आप सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहे हैं तो शादी के पहले संस्कार से लेके और अंत का जो संस्कार है वो बाबा साहब बुद्ध और धम्म और जो विद्वान लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं ऐसा करना है उसके अनुसार है। साथियों, जब बाबा साहब ने घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ मरूंगा नहीं, तो सारे शंकराचार्य तिलमिला उठे, कहने लगे भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रोको, क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। कुछ लोग बाबा साहब के पास गए, बाबा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बताएं तो सही, करना क्या है हमें। तो बाबा साहब ने दो टूक कहा कभी देखो ऐसा है, अगर आप सच में चाहते हैं और आपको लगता है कि आप बदलने को तैयार हैं और मैं हिंदू धर्म ना छोड़ूं, तो मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप के जितने भी शंकराचार्य हैं उनकी पदवी या तो एक साल के लिए आपको और एक साल के लिए मेरे लोगों के लिए, जैसे मेरे लोग आपके शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे ही आप लोग हमारे बनाए हुए शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आप सुधर गए हैं और हिंदू धर्म सुधार की तरफ है, परिवर्तन की तरफ है, तो मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। जो व्यक्ति ये संदेश लेकर गए थे वो कहने लगे कि बाबा साहब हम तो बड़े हैं नहीं इतने, हमें तो पूछनी पड़ेगी। तो बाबा साहब बोले जब पूछनी पड़ेगी तो पहले उनसे पूछ के आते। जब ये संदेश मिला बाबा साहब समझ गए, तो फिर उन्होंने उसी काम को दोहराया 14 अक्टूबर 1956 को। अब बाबा साहब ने जब धम्म को अंगीकार किया तो बाबा साहब ने उससे पहले अध्ययन किया होगा, सभी धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन उससे भी पहले जब बाबा साहब बच्चे थे और वो प्रथम आए थे 10वीं क्लास या 8वीं क्लास में, तो उनके गुरुजी केलुस्कर साहब ने उन्हें बुद्ध जीवन परिचय एक पुस्तक दी थी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में तथागत की जीवन परिचय और उनका जो जीवन है, उनकी जो धम्म है, वो बाबा साहब जब भीमराव थे या अंबेडकर बालक थे उनके दिमाग में आ गया और उसी दिन से बुद्ध की जो बातें थी वो उनके दिलो दिमाग में, जहन में बैठ गई और उन्हीं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, अर्थात बाबा साहब का बुद्ध की तरफ झुकाव हो गया। लेकिन फिर भी 35 की घोषणा की हुई, 56 में किया, उन्होंने धम्म को खूब अध्ययन किया। बीच में उनके में एक बार बात और आई कि भाई अगर मैं सिख धर्म की ओर जाऊं तो मेरे लोग मजबूत हो सकते हैं, उनके पास हथियार रख जाएगा एक लड़ने के लिए, रक्षा के लिए।
तो बाबा साहब ने जब झुकाव गया और काफी झुकाव गया अब उनका, तो नानक चंद से कहा कि भाई रत्तू ये बताओ कि सिख धर्म को भी अगर हम अपनाएं तो क्या हो सकता है, क्या अच्छा रहेगा। तो बाबा साहब ने पूछा नानक चंद रत्तू से, तो सोहनलाल शास्त्री को बुला, क्योंकि दोनों पंजाब के थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि बाबा साहब जैसा हिंदू धर्म में है ऐसा ही सिख धर्म में भी है, कोई अंतर नहीं है, वहां भी मजहबियों के गुरुद्वारे अलग हैं, उनके अलग हैं। उन्होंने फिर एक घटना बताई कि बाबा साहब आपके जो मित्र हैं संतराम बीए, उनके एक मित्र थे, वो मित्र फौज में थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल था तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट में थे, उनको अच्छी पगार मिलती थी, सिख थे, तो जब वो रिटायर होकर आए तो उन्हें कुछ पैसा भी मिला था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसा मिला, रिटायर्ड होकर आया हूं, तो मैं कुछ शायद 21 रुपए जन 125 रुपए का मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, और वो जो गुरुद्वारे में बटता है वो बटना है। जब वो प्रसाद बन रहा था तो वो खुशी खुशी दौड़ रहे थे कि आज मेरे पैसे का प्रसाद बांटा जाएगा गुरुद्वारे में। तो वो खुशी खुशी जैसे किचन में घुसे तो बोले भाई तुम क्यों चले आ रहे हो किचन में, तो उन्होंने कहा अरे भाई मेरे पैसे से बनना आज का प्रसाद। अरे का तुम्हारे पैसे से बनना है तो तुम इसमें घुसे चले आओगे नीची जाति के होते हुए। अब इतना सुनकर उनके दिमाग में एकदम आ गया, अरे मैंने पैसा दे रहा हूं और मैं नौकरीमंद आदमी, मेरे पास पैसा और मैं दान करके गुरुद्वारे में खिलाना चाहता हूं, फिर भी मुझे इतना नीच बता दिया। तो उन्होंने कहा कि बड़े उदास थे, उदास होने के बाद में उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं सिख नहीं रहूंगा, और उन्होंने अपनी दाढ़ी सर सब कुछ मुंडवा दिया और ईसाई बन गए और हैट लगाने लगे ईसाई। तो संतराम बीए जी कहीं अचानक से सामना सामना हुआ तो वो पहचानने लगे, यार आदमी तो देखा हुआ है लेकिन है कौन, क्योंकि एक सरदार की दाढ़ी कट जाए तो आदमी और पहचानने वाला हो तो देखता है, यार देखा हुआ तो है लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा पहचान तो रहा हूं, है कौन, क्या पहचानो। जब उन्होंने बताया कि मैं सरदार फलां सिंह, कुछ नाम मेरे जहन से निकल गया, वो हूं, अरे कि तुम्हारी दाढ़ी वो, तो ये वाकया उन्होंने तब उनको बताया संतराम बीए जी को कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने ठेका थोड़ा ही ले रखा है सिख धर्म का, इस जातियों का धर्म का ठेका थोड़ा ही ले रखा है, मैंने छोड़ दिया, क्रिश्चियन धर्म में कोई जाति नहीं है, शायद हो ना हो इतनी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा अब मैं ईसाई बन गया हूं। जब ये बात बाबा साहब ने सुनी और वो कहा सारा सब कुछ देखने के बाद में, तो फिर बाबा साहब ने सोचा कि बुद्ध धम्म पर भी नजर डाली जाए। उन्होंने धम्म पर भी नजर डाली, धम्म पर नजर डाली तो उन्होंने देखा कि जो हमारे तराई क्षेत्र हैं, ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल हो गया और अदर देश हो गए, तो वहां भी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का मिलता जुलता जुगाड़ है, वहां भी घंटी बजती है और वहां भी के तथागत आएंगे या शैतान भागेगा ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने अपना एक अलग से शुद्धिकरण किया या कुछ भी कहें, उसमें से उसको छाना, सफाई की, फिल्टर किया और पुस्तक निकाल के हमें दी, बुद्ध एंड हिज धम्मा, जिसमें बाबा साहब ने सारा सब कुछ लिखा, बुद्ध के बाद का, बुद्ध के साथ का। कुछ लोगों को बहुत सारी उसमें भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसलेशन के समय भी उसमें बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी रखी गई जिनका बाबा साहब की सोच से कोसों दूर तक नाता नहीं है। वो किस कारण रखी गई इस पर चर्चा की विषय नहीं है, लेकिन विषय इस बात का है कि बाबा साहब कैसा धम्म चाहते थे, वो कैसा परिवर्तन चाहते थे। बाबा साहब ऐसा ही परिवर्तन चाहते थे जो शुद्ध हो, जैसे आप पानी पीते हैं फिल्टर करके, जैसे आप पानी को बिना फिल्टर के पिए तो आपको पीलिया हो जाता है, जॉइंटिक्स हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, ऐसे ही धम्म से आपका सब कुछ मानसिक जो विकार है वो खराब हो सकते थे, इसलिए उन्होंने फिल्टर किया और आपको सारा सब कुछ शुद्ध करके दिया कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। बुद्ध एंड धम्मा में सब कुछ दिया है, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होगा, कैसे करना है। धम्म पथ इसका प्रचार प्रसार भले अच्छे ढंग से कर रहा है और आगे करते रहें, इन बातों के लिए मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, दो गीतों के साथ। कि धम्म की एक जो बुद्ध एंड धम्मा पुस्तक है उसमें सबसे बड़ी बात लिख बताई गई है कि धम्म क्या है, सद्धम्म क्या है और अधम क्या है, सारा ग्रंथ इसी पर है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब सद्धम्म को बाबा साहब बार बार बता रहे हैं कि सद्धम्म यह है, अधम यह है, तो उसी बात को लेकर मैं आपको बता रहा हूं और उसी की सेवा है, और उसकी सेवा करने से मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैंने एक चीज ये देखी है कि जो उनके धम्म की सेवा करता है, जो उनके धम्म का प्रचार प्रसार करता है, चाहे मैं हूं चाहे और कोई है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, नीलम जी ये भी दिल्ली रहती हैं, मैं भी दिल्ली रहता हूं, अब मैं भी जाऊं या ये भी किसी भी देश के कोने में जाएं तो लोग जानते हैं, ये कहते हैं आपका ही घर है, आपको मेरे घर रुकना है, मेरे घर खाना है,
यानी कि इस भारत में जितने भी घर हैं धम्म के चाहने वाले, वो ये कहते हैं कि आपका ही घर है, आइए स्वागत है। कभी कभी झगड़ा हो जाता, नहीं नहीं आज शाम का खाना मेरे घर, अरे मैंने तो बनवा दिया। तो मैं ये जानता हूं कि जो धम्म की सेवा करता है वो सभी का प्रिय होता है, और प्रिय होता है तो सभी चाहते हैं कि इनके कदम मेरे घर में पड़े, मुझे अच्छा लगेगा, और पूरी दुनिया के घर उनके अपने घर बन जाते हैं। इसलिए धम्म की सेवा करना ही बुद्ध की सेवा करना है और बाबा साहब की सेवा करना है। ये बाबा साहब ने हमें आदेश दिया, क्योंकि पेशा मेरा गाने का है, मैंने म्यूज़िक से एमए किया, तो फितरत है कि उस फितरत से दूर नहीं जा सकता। यहाँ नहीं सुनाऊंगा तो रास्ते में जिसके साथ आया हूँ उसको सुनाऊंगा, वो कहेगा ये इससे तो मुझे क्यों सुना रहे हो, सबके सामने सुना तो अच्छा है कि सबके सामने सुनाऊँ, फितरत है, उसे निकाल देता हूँ।